फिर वो क्या, इट इज ऑल, ये अब जो है जो हैप्पीनेस थी, ऑल दिस हैप्पीनेस हैज एंडेड इन टीयर्स, रुइन, शेम एंड डेथ. फिर वो कहता है वेयर इट इज टुडे, लाइन नंबर 40 है, और किसकी, लास्ट सीन की. और ओवरऑल लाइन काउंट करें तो ये 1335 ऑनवर्ड्स है. हैप्पीनेस ऑफ द हाउस ऑफ लैब्डाकोस वाज हैप्पीनेस एनफ वेयर इट इज टुडे. मतलब वो कहता है ऑल दिस हैप्पीनेस हैज एंडेड इन टीयर्स, सब कुछ एंड हो चुका है. ये जो ओल्ड हैप्पीनेस ऑफ हाउस ऑफ रॉयल लैब्डाकोस था वो अब एक एंड पे आ चुकी है. इट इज ऑल वेलिंग एंड रुइन, ऑल दिस हैप्पीनेस हैज एंडेड इन टीयर्स, रुइन, शेम एंड डेथ, डिस्ग्रेस, डेथ, ऑल द मिजरी ऑफ मैनकाइंड. वो कहता है इट इज ऑल वेलिंग एंड रुइन, डिस्ग्रेस, डेथ. मतलब ये सब कुछ जो है एंड हुआ किसमें, वेल में, रुइन, डिस्ग्रेस और डेथ और शेम में. ऑल द मिजरी ऑफ मैनकाइंड दैट हैज डन नेम. वो कहता है द किंग, द क्वीन हैव गॉट द मिजरी ऑफ फॉर एवर Mankind has ever suffered from, and it is wholly forever theirs. और ये सारी उम्र के लिए ये जो मिजरी है ये हमेशा इन्हीं की रहेगी. यानी कि इन्होंने जो है तमाम मैनकाइंड की जो सफरिंग है उसको जो है सफर किया है. चिरागोस, इज ही इन एग्नी स्टिल, क्या वो अभी भी पेनफुल स्टेट में. कौन, ईडिपस, इज देयर नो रेस्ट फॉर हिम, इज देयर नो कम्फर्ट फॉर हिम. सेकेंड मैसेंजर, ही इज कॉलिंग फॉर समवन टू लीव हिम टू गेट्स. वो जो है कॉल कर रहा है कि कोई उसको गेट्स तक छोड़ के आए, सो दैट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ कैडमोस मे लुक अपॉन, कि तमाम चिल्ड्रन ऑफ कैडमोस जो है वो उसकी तरफ देख सके. हिज फादर्स मर्डरर, हिज मदर्स, जो कि उसके फादर का मर्डरर है और उसकी माँ का भी है. नो आई कैन नॉट से इट, वो कहता आई कैन नॉट से दैट. And then he will leave Thebes, और फिर वो Thebes को छोड़ के चला जाएगा. Self exile, उसने अपने आप को self exile कर लिया, यानी कि उसने ये हुक्म दे दिया कि मुझे exile कर दो. In order that curse, उस curse के order में, यानी कि उसने curse किया था ना कि जो भी murderer है उसको exile करना है. Which he himself pronounced may depart from the house, जो कि उसने खुद pronounce किया था कि उसको इस घर से जो है डिपार्ट करना है. ही इज वीक एंड देयर इज नन टू लीड हिम, वो बहुत वीक है, कोई भी उसको उसको लीड नहीं कर सकता. सो टेरिबल इज हिज सफरिंग, कितनी टेरिबल उसकी सफरिंग है. बट यू विल सी, लेकिन तुम देखोगे. लुक द डोर्स आर ओपनिंग इन द मोमेंट, और देखो उन दरवाजों को जो कि ओपन होंगे इन अ मोमेंट. यू विल सी अ थिंग दैट वुड क्रैश द हार्ट ऑफ स्टोन, और वो कहता है कि तुम एक ऐसा दुख भरा सीन देखोगे जो कि हार्ट ऑफ, यानी कि बहुत ऐसे दिलों को भी वो मेल्ट कर देगा, इवन जो कि हार्डेस्ट हार्ट भी होंगे. द सेंट्रल डोर इज ओपन, ईडिपस ब्लाइंडेड इज लेड इन. ब्लाइंड ईडिपस को अंदर लेके आया जाता है. शोरागोस, ड्रेडफुल इंडीड फॉर मैन टू सी, वो कहता है इट इज इंडीड ड्रेडफुल फॉर मैन टू सी, नेवर हैव माय ओन आईज, कि काश के मेरी अपनी आंखें ही ना होती. ठीक है, कि ये मेरे लिए भी जो है, लुक ऑन द साइड सो फुल ऑफ फियर, कि इस साइट को देखना जो कि फुल ऑफ फियर है. ईडिपस, ईडिपस, व्हाट मैडनेस केम अपॉन यू, कि ये तुम्हारे ऊपर कौन सी मैडनेस थी जो कि तुम्हें यहाँ तक लेके आई. व्हाट डेमन लीव ऑन योर लाइफ, कौन सा ऐसा डेमन था, कौन सा ऐसा डेविल था दैट हैज ब्रॉट अपॉन यू दिस अनबेरेबल पनिशमेंट, लाइफ विद हैवियर पनिशमेंट, इस अनबेरेबल पनिशमेंट तक तुम्हें कौन लेके आया. देन अ मोर्टल मैन कैन बेयर, इतनी बुरी पनिशमेंट के एक मोर्टल मैन जो है जो कि बेयर कर सके. तो वो कहता है लुक एट यू, नो आई कैन नॉट इवन, वो कहता है ऐसी पनिशमेंट तो मैं भी बेयर नहीं कर सकता जो पनिशमेंट तुमने अपने आप को दे दी है. लुक एट यू पुअर रुइंड वन, वो कहता है तुम अपने आप को देखो पुअर रुइंड वन. एंड आई वुड स्पीक, क्वेश्चन, पॉन्डर, और वो कहता है कि आई वुड स्पीक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन जो है पूछूंगा. सॉरी, एंड आई वुड स्पीक, क्वेश्चन, पॉन्डर, इफ आई वर एबल, और वो कहते हैं कि आई वुड स्पीक, मैं बोलता, क्वेश्चन भी करता और पॉन्डर भी करता अगर मैं इस काबिल होता. मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ, जितनी पनिशमेंट तुमने बुरी अपने आप को दी है, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं तुमसे कोई क्वेश्चन कर सकूँ, तुमसे कुछ पूछ सकूँ, तुम्हें पॉन्डर कर सकूँ. No, you make me shudder, but you have made me shuddering with awe. तुमने मुझे shudder कर दिया है with awe. Oedipus, God, God,
यहाँ पे कहीं पे गॉड गॉड लिखा है, कहीं पे अपोलो लिखा हुआ है, गॉड ऑफ अपोलो, ठीक है। वो कहता है गॉड गॉड कि भाई ये तो गॉड था, यानी कि गॉड ऑफ अपोलो था। इज देयर अ सोरोफुल ग्रेटर, देयर कैन बी अ ग्रेटर सोरो देन व्हिच हैज फॉलन मी। तो वो कहता है कि ये इज देयर अ ग्रेटर सोरो, वेयर शैल आई फाइंड हार्बर इन दिस वर्ल्ड, कि इससे बड़ी जो है, वो कहता है ये तो गॉड था, देयर कैन बी ग्रेटर सोरो देन व्हाट हैपेंड हैज बीफॉलन मी इन दिस वर्ल्ड, माय वॉइस इज हर्ड फ्रॉम फार ऑन डार्क माइंड। वो कहता है कि अब तो मेरी जो वॉइस है वो डार्क माइंड के साथ हर्ड हो रही है, यानी कि अब मेरी जो आवाज है वो शायद तुम लोग कभी भी सुन नहीं सकोगे, वो तो अब अनहेयर्ड ही रहेगी। सो आई शैल नॉट बी एबल टू मतलब स्पीक। What has God done to me? वो कहता है, what a great punishment God has afflicted on me. Chira goes too terrible to think of or to see. वो कहता है ये तो बहुत ही जो है मतलब एक terrible thing है. Oedipus, oh cloud of night blindness को कहा जा रहा है. वो कहता है, oh this is the cloud of night never to be turned away. Night coming on. वो कहता Oh, I can never change the darkness of my blindness, never coming on. This night of blindness is coming off, night coming off. This night of blindness is coming off. This is the everlasting cloud of darkness, blindness. I cannot tell how night like a shroud. My fear winds, yahan pe luck ko kaha ja raha hai, brought me here. Wo kehta hai ki, I cannot tell how night like a shroud, ki kis tarike se ये जो नाइट है, यानी कि ये जो मेरी ब्लाइंडनेस है, वो किस तरह से मेरी जो लक है, ये डार्क दिस डार्कनेस इज लाइक अ ब्यूरियल क्लॉथ। ये जो डार्कनेस है, ये जो है एक ब्यूरियल क्लॉथ की तरह से है और कवर की तरह से है, जिसने मेरी फेयर वाइंड्स ब्रॉट मी हियर, लेकिन ये जो है मेरी फेयर वाइंड्स जो है, मेरी जो लक है वो मुझे यहाँ पे लेके आई है। Oh God, again the pain of the spikes where I had sight. वो कहता है, oh God, again वो जो pain of spikes जो है मेरी, where I had sight, जब हम मेरे पास आंखें थी, where I had sight, जब मेरी आंखें थी, the flooding pain, वो जो pain जो है वो मुझे जो है flooding pain of memory, यानी कि वो कहता है मैंने अपनी आंखें तो plugged कर दी है, लेकिन वो जो flooding pain of memory है वो मुझे जीने नहीं दे रही, वो spikes की तरह मुझे चुभ रही है, never to be gouged out, जो कि शायद I will never be able to plug out, शायद मैं उनको plug out कभी ना करता, लेकिन ये मेरी fortune थी कि मैंने अपने आप को blind कर लिया है। चलो बोल, this is not strange, ये strange नहीं है, you suffer it all twice over, तुमने तो इसको मतलब twice over suffer किया है, from remorse and pain is remorse, तुमने तो you are suffering from pain and regret simultaneously, यानी कि तुमने हद से ज़्यादा pain जो है वो बर्दाश्त की है। And strophe, Oedipus, oh dear friends, are you faithful even yet you alone? वो कहता है क्या तुम अभी भी faithful हो मेरे साथ हालांकि मैं तुम्हें अकेले छोड़े जा रहा हूँ। तो आर यू स्टिल स्टैंडिंग नियर मी, तुम अभी भी मेरे करीब खड़े हो, विल यू स्टे हियर, क्या तुम यहीं पे खड़े रहोगे, पेशेंट टू केयर फॉर द ब्लाइंड, क्या तुम इतने सब्र के साथ एक केयर करते रहोगे ब्लाइंड को, द ब्लाइंड मैन, एक ब्लाइंड मैन को, येट इवन ब्लाइंड आई नो हु इट इज अटेंड्स मी, और येट इवन ब्लाइंड आई नो कि कौन मुझे अंधा समझ के अटेंड करेगा, बाय द वॉइस टोन। तो वो कहता है कि Oedipus कहता है कि I am just like a blind man and I am patiently, कि मेरी जो blindness है, मेरी blind position में मुझे कौन attend करेगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा, by the voice tone though by new darkness hide the comforter, ये जो new darkness है मेरी, ये जो new downfall है, या मेरी ये जो अंधापन है, मेरा blindness है, उसने तो मेरे comforter को भी मुझसे hide कर लिया। वो कह रहा है कि भाई एक बीमार बंदे के साथ, एक अंधे बंदे के साथ कौन रहता है, तो वो अपने जनरेशन को, अपने जो अवाम है उसको वो ये कह रहा है कि भाई तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ, ठीक है, तुम मेरे पास क्यों खड़े हो, एक ब्लाइंड मैन के पास तो कोई भी नहीं खड़ा रहना पसंद करता। चिरा गोज, ओ फियरफुल एक्ट, वो कहता है ये जो तुमने टेरिबल एक्ट ऑफ ब्लाइंडिंग यूर ओन आईज, बट गॉड वॉज ए ड्रॉप टू रेड ब्लैक, मतलब कौन सा गॉड था जिसने तुम्हें रेड ब्लैक कर दिया, कौन सा गॉड था जिसने तुम्हें, व्हाट एंग्री गॉड अर्जेस यू टू टियर योर आईज आउट, कौन सा ऐसा गॉड था जिसने तुम्हें मतलब
ब्लैक नाइट अक्रॉस योर आईज जो है इस पे तुम्हें अर्ज किया था, अंधा होने को किस गॉड ने कहा था? ईडिपस, अपोलो अपोलो डियर चिल्ड्रन द गॉड वाज अपोलो. वो कहता है ये तो अपोलो था जिसने मुझे यहाँ तक मेरी किस्मत को लेके आया, मेरी बैड लक को लेके आया. He brought my sick, sick fate upon me. वो मेरी बैड लक मेरे तक लेके आया. But the blinding hand was my own. लेकिन वो जो blinding hand थे, वो तो मेरे अपने थे. How could I bear to see? कैसे मैं ये अपनी इतनी बुरी किस्मत को देखना बर्दाश्त कर सकता था? When all my sight was horror everywhere. जब मेरी उन आंखों ने हर जगह horror ही horror देखना था. Chora goes. Everywhere that is true. All around you, yes, that is true. Oedipus, and now what is left? वो कहता मेरे लिए बचा ही क्या है? Images, love, a greeting, even sweet to sense. मेरे लिए बचा क्या? ना तो मेरे लिए images बचे, ना मेरे लिए मोहब्बत बची, ना कोई greeting बची, ना मेरे लिए कोई comfort बचा. No sweet words of greeting. मतलब मेरे लिए sweet to sense. Is there anything? Ah, no friends. ना ही मेरे लिए मेरे कोई दोस्त हैं. Lead me away, जो कि मुझे that lead me away from Thebes. Lead me away from Thebes. अब वो उनको कहता है मुझे lead the cursed and ruined. वो कहता है कि अब मुझे इस Thebes से निकाल दो, इस cursed और ruined Thebes को यहाँ से निकाल दो. Sorry, Oedipus को निकाल दो. Lead the great wreck and the hell of Oedipus. इस great wreck और hell of Oedipus को, यानी कि hateful Oedipus को यहाँ से निकाल दो. Whom the god hates, जिससे gods नफरत करते हैं. चरा गोज, your fate is clear, you are not blind to that. वो कहता है कि तुम्हारी fate जो है बिल्कुल clear है, तुम जो है blind नहीं हो. Would god you had never found it out. और वो कहता है कि you know your fate very well, I wish you had never found it out. And this off. Oedipus, death take the man who unbound. वो कहता है कि death जो है उस इंसान को पे आ जाती है जो कि who death take the man who unbound my feet on that hill. वो कहता है काश के वो death जो है उस शख्स पे आ जाती जिसने मेरे unbound किए थे मेरे feet on the hillside. ठीक है, curse on the man who unfastened my feet on that hillside. ठीक है, and delivered me from the death to life and saved my life. What life? क्या जिंदगी है जो उसने मेरी save की? If only I had died, अगर उस वक्त मैं मर जाता, that weight of monster's doom could not have dragged me. तो ये monster doom का जो weight है, वो शायद मुझे इस misery तक ना लेके आता, and my darlings down. और मेरे dear ones को मेरे सामने, मतलब जो है मेरी इज्जत उनके सामने कम ना करता, और वो shame upon myself and my dear ones. Chira goes, I would have wished the same. Oedipus, oh never to have come here. वो कहता अब मैं कभी भी यहाँ पे, oh if only I had never come here. मैं काश के मैं कभी ना आता, to have come here with my father's blood upon me. अपने फादर का कत्ल करके, being a murderer of my father, never to have been the man they call his mother's husband. काश के मैं वो शख्स ही ना होता जिसको ये अपनी मदर का हस्बैंड कहते हैं. Oh accursed, वो अपने आप को कर्स करता है. Oh child of ever. I am the cursed child of evil to have entered the wretched bed and self-shame one who emitted incest in my own father's bed. I am a curse who replaced his father on his bed, or even more primal than sin itself, this fell to me. And he says that even the word is sin cannot show the blasphemy of my act. More primal than sin itself, this fell to me. He says that even the word sin cannot show the blasphemy of my act. Shara goes, I do not know how I can answer you. You are better than that alive and blind. वो कहता है, I don't know what to say. That would be better for you than being alive and blind, unaware of your sad and painful fate. वो कहता है, you better than alive. इससे बेहतर था कि तुम मर जाते than alive and blind. Oedipus, do not counsel me anymore. वो कहता अब मुझे इससे ज़्यादा जो है counsel मत करो. This punishment, if I had eyes, I do not know how I could bear the sight. वो कहता ये punishment अगर मेरी आंखें होती, I do not know how could I bear the sight. तो मैं वो जो है कैसे जो है बर्दाश्त करता, face करता उस sight को of my father.
when I came to the house of death, जब मैं मौत के बाद अपने बाप से मिलता, और my mother, for I had sinned against them both so violently, कि मैं उनका सामना कैसे करूँगा after death so violently, and I cannot make any peace by strangling my own life, और मैं जो हूँ मतलब मौत के बाद भी अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को एंड नहीं किया by strangling, by hanging myself to the death, यानी कि मैंने अपनी लाइफ एंड नहीं की, मैंने सुसाइड नहीं किया. मैं सुसाइड कैसे करूं, मैं तो मर भी नहीं सकता कि आफ्टर डेथ मुझे अपने माँ और बाप को मैं कैसे फेस करूंगा. और डू यू थिंक माई चिल्ड्रन बॉर्न एज दे वर बॉर्न वुड बी, और डू यू थिंक माई चिल्ड्रन बॉर्न एज दे वर बॉर्न, वो कहता है क्या तुम्हारा ख्याल है, वो कहता है डोंट थिंक दैट माई चिल्ड्रन बॉर्न एज दे वर, के मेरे बच्चे और क्या तुम मेरे बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हो, वुड बी स्वीट टू माई आईज, कि जो इस तरीके से पैदा हुए हैं वो मेरी आंखों के लिए डियर होंगे, प्यारे होंगे. आह नेवर नेवर नॉट दिस टाउन विद इट्स हाई वॉल्स, वो कहता है आह दे विल नेवर बी डियर टू मी, नॉट दिस टाउन विद इट्स हाई वॉल्स, नॉट दिस टाउन, नॉट द होली इमेजेस ऑफ गॉड, नॉट इवन द होली इमेजेस ऑफ गॉड वुड प्लीज माई आईज, फॉर आई थ्राइस मिजरेबल, वो कहता है मैं थ्राइस मिजरेबल हूँ. थ्राइस मिजरेबल किस तरीके से, वो इसी चिल्ड्रन था, यहाँ का सिटीजन था, वो चिल्ड्रन के सामने भी अपने मिजरेबल है, सिटी के सामने भी मिजरेबल है, और गॉड के सामने भी मिजरेबल है. ईडिपस नॉबलेस्ट ऑफ ऑल द लाइन ऑफ कैडमोस, ईडिपस जो कि कैडमोस की तमाम लाइन का नॉबलेस्ट, हैव कंडेम्ड माइसेल्फ टू एंजॉय दिस थिंग नो मोर, वो कहता है ईडिपस नॉबलेस्ट ऑफ लाइन ऑफ कैडमोस, अब जो है ये जो मेरी जो थ्राइस मिजरेबल कंडीशन है वो मुझे कंडेम करती है मुझे टू एंजॉय दिस थिंग्स नो मोर, कि मैं यहाँ की जो बादशाहत है उसको मजीद ब्लेसिंग्स को एंजॉय ना करूं, बाय माय ओन मेलेडिक्शन एक्सपेलिंग देम, मेरी अपनी मेलेडिक्शन है, मेरे अपने सिंस है जो मुझे यहाँ से एक्सपेल कर रहे हैं. दैट मैन हुम द गॉड्स डिक्लेयर टू बी डिफाइलमेंट इन द हाउस ऑफ लॉयर्स, ये मैं वो इंसान हूँ जिसको गॉड्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो हाउस ऑफ लॉयल के लिए डिफाइलमेंट बनेगा, यानी कि ये इस पूरे मतलब हाउस ऑफ लॉयर्स के लिए मतलब उसकी डिस्ट्रक्शन का बायस बनेगा, उसकी डिफाइलमेंट का बायस बनेगा. आफ्टर एक्सपोजिंग द रैंकनेस ऑफ माय ओन गिल्ट, वो कहता है कि आई एम कंडेम्ड मैन हुम द गॉड्स डिक्लेयर कर्स ऑन द हाउस ऑफ लॉयर्स टू बी ड्राइवन आउट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माय फिल्दी सिन, मेरे इतने बुरे सिन के बाद जो है मुझे इस घर से निकाल देना चाहिए इसकी डिस्कवरी के बाद. हाउ कुड आई लुक मैन फ्रेंकली इन द आईज, मैं किस तरीके से लोगों का सामना कर सकूंगा, नॉर आई स्वेयर इट, आई मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. इफ आई कुड हैव स्टिफन्ड माय हियरिंग एट इट्स सोर्स आई वुड हैव डन इट एंड मेड ऑल हिज बॉडी, वो कहता है कि नो आई स्वेयर आई वुड हैव डिस्ट्रॉयड माय सेंस ऑफ हियरिंग टू, कि मतलब वो कहता है आई कुड हैव स्टिफन्ड माय हियरिंग एट इट्स सोर्स, मैं तो अपनी जो सेंस ऑफ हियरिंग है उसको भी शायद खत्म कर दूं. आई वुड हैव डन इट एंड मेड ऑल द बॉडी, इफ आई कुड मैं अपनी पूरी बॉडी को जो है ना वो ऐसे कर लूं कि वो कुछ मतलब ना तो सुन सके, ना देख सके, ना कुछ मतलब फील कर सके. अ टाइट सेल ऑफ मिजरी, मैं उसको एक टाइट सेल ऑफ मिजरी बना दूं, ब्लैंक टू लाइट, जो कि ब्लैंक टू लाइट और साउंड हो. सो आई शुड हैव बीन सेफ इन डार्क एग्नी बियॉन्ड द रिकॉलेक्शन, ताकि मैं जो हूँ इन दिस वे आई वुड हैव बीन सेफ इन डार्क पेन बियॉन्ड ऑल रिलीफ एंड रेस्क्यू. आह कैथीरियन, आह माउंट कैथीरियन को, अब हिल्स ऑफ कैथीरियन को वो कॉल करता है. व्हाई डिड यू शेल्टर मी, तुमने मुझे क्यों शेल्टर किया. व्हेन आई वाज कास्ट अपॉन यू, जब मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दिया गया था. व्हाई डिड नॉट डाई, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया. देन आई शुड नेवर हैव शोन द वर्ल्ड माय एक्सिक्रेबल वर्ड, तो मैं दुनिया को ताकि अपनी इस बैड बीस्टली डैमनेबल हेटफुल हाइडियस वर्ड्स जो है उसको शो ना करता. आह पोलिबस, वो कहता है आह पोलिबस, यानी कि अपने कोरिंथ के बादशाह को पुकार के कहता है कि कोरिंथ सिटी दैट आई बिलीव द एंशिएंट सीट ऑफ माय एंसेस्टर, जिनको मैं एंशिएंट सीट ऑफ अपने एंसेस्टर समझता था. हाउ फेयर इट सीम्ड योर चाइल्ड, कितना अच्छा था कि मैं तुम्हारा ही बच्चा होता. एंड ऑल द वाइल दिस इविल वाज कैंसरस विद मी, और ये तमाम ऑल द वाइल
और दिस इविल वॉज कैंसरस विद मी, ये क्यों मेरे साथ स्टिकन रही है, लाइफ स्टिक रही है, इट मेक्स माई बर्थ एज वेल एज लाइफ स्टिक. वो कहते हैं ये कैंसर ऑफ सिन वॉज विद इन मी ऑल द वाइल, ये जो कैंसर ऑफ सिन था ये तो मैं जहां गया वहां पे मेरे साथ स्टिक रहा. फॉर आई एम सिक, आई एम इन माई डेली लाइफ. वो कहता है इट्स मेक, मतलब यहाँ पे वो कहता है ना कैंसरस विद मी, वो कहता है इट मेक्स माय बर्थ एज वेल एज लाइफ स्टिक. वो कहता है फॉर आई एम सिक इन माय डेली लाइफ, सिक इन माय ओरिजिन. वो कहता है मैं सिक हूँ अपनी डेली लाइफ में, मैं अपने सिक हूँ अपने ओरिजिन में, यानी कि अपनी बर्थ में. और थ्री रोड्स, अब वो उन तीन रोड्स को, वो क्रॉस रोड्स को कॉल करके कहता है डार्क रिवाइन वुड लैंड एंड वे, व्हेन थ्री रोड्स मीट यू ड्रिंक you drinking my father's blood. वो कहता है उन three roads को तुमने मेरे father का blood जो है वो पिया, यानी कि तुम मेरे father के कातिल हो. My own blood, मेरे blood के कातिल हो. Spilled my own hand, तुमने मेरा मेरे हाथ खून से रंगे. You can you remember the unspeakable thing I did there? क्या तुम्हें याद है वो unspeakable thing जो मैंने वहाँ पे किया? वो तो क्या तुम्हें याद है वो मेरा sin जो मैंने वहाँ पे किया? In the forest, end of forest or dark valley, जहाँ पे मैंने अपने ही father को kill किया था. Can you remember the sin that I commit there and after that, the unspeakable thing I did and things I went on from there too. और उसके बाद, उस वक्त जो मैंने sin किया और जो उसके बाद किया, क्या तुम्हें याद है? Oh marriage, the act that engendered me. वो कहता, अब वो curse करता अपनी marriage को. Oh marriage, वो act जिसने मुझे that gave birth to me and again the act performed my son in the same bed. और वही same act जो जिसकी वजह से मेरा उसी bed में एक बेटा पैदा हुआ. Ah the net of incest mingling father. वो कहते हैं ये कौन सा net है of incest? Incest कहते हैं माँ के साथ शादी करने का, जिसने father को mingle कर दिया, brothers को mingle कर दिया, sons को mingle कर दिया with brides, wives, mothers. The last evil that can be known by man to tongue can say. और ये जो लास्ट इवल था, इट वॉज द वर्स्ट सिन दैट कैन बी नोन इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड. इट इज अनस्पीकेबल. हाउ कैन टंग कैन से, मतलब दैट इज अनस्पीकेबल. हाउ इवल नो फॉर द लव ऑफ गॉड कंसील मी. वो कहता है कितना ये फुल ऑफ इवल है. नो फॉर द लव ऑफ गॉड, नो फॉर द लव ऑफ गॉड टेक मी अवे, कंसील मी, यहाँ से मुझे ले जाओ. Somewhere far from Thebes, यानी कि या तो मुझे कहीं हाइड कर दो या मुझे Thebes से दूर ले जाओ और kill me, या मुझे मार दो. Or hurl me or throw me into the sea away from man's eyes forever. Come lead me, you need not fear touch me. Of all men, I alone can bear this guilt. वो कहता है कम मुझे आओ और मुझे लीड करो. Or don't be afraid of touching me, my guilt cannot infect any other human being. बेटा बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे. यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा.